What's up guys, this is Metal and welcome to my new video. इस वीडियो में मैं आपको मनघट्टा घुमाने वाली हूँ. मनघट्टा एक जंगल सफारी भी है मनघट्टा में रिजॉर्ट्स भी है और बहुत सारे गार्डन भी है. तो जंगल सफारी तो नहीं जा रहे हैं बिकॉज अभी जंगल सफारी में उतने सारे जानवर नहीं है, तो जो हमारा एम है जंगल सफारी जाने का वो पूरा नहीं हो पाएगा. तो बाकी का जो यहाँ पे है वो बहुत ही ब्यूटीफुल ये सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, तो मैं वो आपको घुमाने वाली हूँ. तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आखिरी तक देखना, सब्सक्राइब करके जाना. जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मनघट्टा का जंगल सफारी का मेन गेट है. सोमवार बंद, वैसे आज बुधवार है. और यहाँ पे वन चेतना केंद्र मनघट्टा, और यहाँ पे टिकट्स वगैरह भी मिल रहे हैं. ऐसा है मनघट्टा. और तो वर्मी कंपोस्ट, और ये है बाल उद्यान. 10 रुपए का यहाँ पे टिकट है. तो हम अंदर जा रहे हैं, ये बाल उद्यान है. तो ये हरा भरा है काफ़ी. जनरली लोग यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड्स को लेके आते हैं, तो टू द पॉइंट बोलना चाहूँगी मैं. और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप लोग देखिए, मैं बोल के डिस्टर्ब नहीं करूँगी. ये स्टेज सब बना हुआ है बैठने के लिए. वाओ. और बाकी आप सराउंडिंग देख ही रहे हैं कितना अच्छा है. आप इस सीढ़ी से क्लाइंब भी कर सकते हैं, इस पेड़ में क्लाइंबिंग करके उधर से फिर उतर सकते हैं. नाइस. सो बाकी गार्डन से ये गार्डन थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे चढ़ने वढ़ने का रस्सी वगैरह भी दिया हुआ है खेलने के लिए, मतलब अच्छा है स्पेस. काफ़ी अच्छा लग रहा है. अभी नौतप्पा चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, और हवा भी बहुत गर्म चल रही है. बट बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे पेड़ वगैरह काफ़ी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक है, मतलब घूम सकते हैं. यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी बाहर है पेड़ों की वजह से. ये ग्रीनरी है यहाँ पे, बिकॉज इधर से आप देख सकते हैं ये टायर का ये बनाया हुआ है. यहाँ पे पौधे लगा दिए टायर्स को काट करके, और यहाँ पे पिकनिक भी सेलिब्रेट कर, पिकनिक भी मनाने आते हैं लोग. और ये काफ़ी अच्छा जगह है, और वहाँ पर एक बच्ची, ये बहुत सही है, मतलब अच्छा खेलने कूदने के लिए. हाँ, नाइस, पार कर लिया उसने. जैसे हर गार्डन में होते हैं वैसे यहाँ पे भी झूले हैं जैसे वो देख सकते हो, और स्लाइड्स भी है, और यहाँ पे इधर झूल भी रहे हैं लोग. और थोड़ा बहुत अच्छी जगह है, मतलब गार्डन बाल उद्यान है. यहाँ पे लोग चिलिंग भी कर रहे हैं, और यहाँ पे स्लाइड्स भी लगे हैं, मतलब अच्छा है. घास भी ठीक है, यहाँ का ग्रीन है. ये बैठने का बना है, यहाँ पे कुछ टेबल सा बना हुआ है, वहाँ पे कुछ रख के यहाँ पे बैठ सकते हो. आओ, यहाँ पे गाइस आपको वॉशरूम भी है. यहाँ पे लिखा है महिला प्रसाधन और उधर पुरुष प्रसाधन, तो ये एक अच्छा लगा यहाँ पे. गाइस यहाँ पे और भी ऐसे गेमिंग का बना हुआ है जैसा कि आप ये देख सकते हैं. यहाँ पे भी ट्री में ऐसे सीढ़ियाँ लगी हुई है जैसे कि आप देख रहे हो. उधर टायर्स भी है इसमें चढ़ने के लिए, तो ये थोड़ा सा एडवेंचरस बनाने की कोशिश की गई है, जो कि अच्छी बात है और अच्छा लगा. ये बैठने का हमने पहले देखा था, तो ये ऑडिटोरियम जैसे बना दिया है इसको. यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह कर सकते हैं. ये स्टेज जैसा है ये, और इसके सामने ऐसे सीट्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे. बस ये इतना ही है गाइस, ज़्यादा बड़ा ये नहीं है ये प्लेस जो है, बट अच्छा है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे. बाल उद्यान नाम ही है इसका. गाइस इधर से आए हम, और यहाँ पे और भी कैंटीन खुल गए हैं जैसे ये देख रहे हो. गार्डन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे प्राइसिंग भी लिखी है पार्किंग की. और फिर इधर ये ढाबा भी है, उधर नौटंकी ढाबा भी है, और इधर बहुत सारा जंगल सा है. रिजॉर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे, नौटंकी का भी रिजॉर्ट है.